When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else. Good morning, welcome back to my YouTube channel, Indian Vlogger Bhumi. तो आज मैं आपको ले चलती हूँ दोबारा से शिप पर, और मैं दिखाने वाली हूँ कि शिप पर मैंने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा. एक्चुअली सिर्फ मैंने ही नहीं रखा, मेरे साथ साथ जो चीफ ऑफिसर की वाइफ थी प्रिया मैम, उन्होंने भी मेरे साथ में ये व्रत रखा था. उनके एक्चुअली रखते नहीं हैं, उनके वो मैम बोल रहे थे कि सिर्फ हरियाली तीज का होता है लेकिन करवा चौथ का नहीं रखते हैं. बट शी वॉज वेरी एक्साइटेड इंटरेस्टेड टू हैव दिस करवा चौथ फास्ट, तो उन्होंने भी रखा. और मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, हमने कैसे मेहंदी लगाई, फिर हमने व्रत रखा चांद की वेट की. तो आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है. और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक सब्सक्राइब बटन, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. अरे वाह, ये कहाँ से सीखे आप डांस ऐसा ऐसा? स्कूल में सिखाती है क्या टीचर? तो ये यहाँ पर जो है मुझे चीफ ऑफिसर की वाइफ है, ये प्रिया मैम, वो मुझे मेहंदी लगा रही थी. ये करवा चौथ से जो प्रीवियस नाइट है तब मैम मुझे मेहंदी लगा रही थी. मैं ये सब कीप वगैरह लेकर गई थी कि करवा चौथ आएगा तो मैं मतलब थोड़ी प्रिपरेशन कर गई थी अपनी. तो यहाँ बच्चे अपना डिज़ाइन लगा रहे हैं मैम को. एक्चुअली मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं, मुझे था कि जो सर्कल वगैरह कर लूँगी थोड़ा शगुन हो जाएगा. बट जब मैंने मैम से डिस्कस किया तो शी सेड कि भाई मैं लगा दूँगी आपको, कि मैं अच्छे से लगा देती हूँ. तो फिर ये मैम मुझे लगा रही हैं. ये हमारे कैबिन का ही लिविंग एरिया है, इतने मैं आपको कैबिन का भी अपने अलग से लोग बनाकर सब दिखाऊंगी. तो हम ये यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे, और मैं आपको दिखाती हूँ जो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगाया मुझे. ये थैंक्स अगेन प्रिया मैम. तो इन्होंने देखो मुझे कितना अच्छा मेहंदी का डिज़ाइन लगाया, मैं भी रेडी हो जाती हूँ. और ये हो गई मैं करवा चौथ के लिए रेडी. ये सब रेड साड़ी वगैरह मैं ये सब लेकर गई थी, क्योंकि उसकी कुछ टाइम सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था और अक्टूबर में ही फिर करवा चौथ आना था. तो मैं थोड़ी अपनी प्रिपरेशन करके गई थी कि वहाँ पर अपना रखना तो है ही है फास्ट. और जो प्रिया मैम है चीफ ऑफिसर की वाइफ, इन्होंने भी मेरे साथ में ये फास्ट रखा था. इनके एक्चुअली क्या है, मैम बोल रहे थे कि उनके नहीं रखते होते हैं, उनके हरियाली तीज का रखते हैं. बट शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू हैव दिस करवा चौथ फास्ट, तो उन्होंने भी रखा. और ये हम तैयार होकर फिर एक साथ अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे कि चलो आज शिप पर साड़ी वाड़ी पहनी हुई है तो कुछ अपना फ़ोटोशूट करवा लेते हैं. तो हम तैयार हो के थोड़ा फ़ोटोशूट किया, थोड़े गप्पे मारे हमने, बच्चों ने डांस वांस किया. फिर हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा कथा कर लेते हैं करवा चौथ की. और ये देखो ये लिविंग एरिया में जो है मैं कैबिन के, मैंने कुछ तैयारी की हुई थी तो हम यहाँ पर एक साथ हमने कथा पढ़ी. थोड़ा प्रसाद बनाया हुआ था मैंने तो वो रख दिया. और फिर हम चाय पी के और अब हम आ गए ब्रिज विंग में, क्योंकि वहाँ इवनिंग में बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता है, जो पहाड़ का होता है वो बड़ा सुंदर लगता है. तो हमने कहा चलो थोड़ा आज तैयार हुए हुए हैं फ़ोटोशूट कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पर फ़ोटोशूट किया ये कैप्टन साहब के साथ. उनको भी बोला कि थोड़ा टाइम निकालो, आज फैमिली फ़ोटो ले लेते हैं, दोनों की फ़ोटो ले लेते हैं. और फिर मैं अपने अब सोलो पोज देने लग गई. ये देखो सनसेट का कितना अच्छा व्यू लगता है ये यहाँ से देखने में. तो ये अब हम देख रहे हैं कि चांद आ जा भाई, कहाँ से आएगा चंदा मामा. तो मैं तो चलो मंकी पॉइंट पर ऊपर जाकर देखती हूँ मैं कि वहाँ से कहीं दिख जाए, बट अभी तो नहीं आया वो, जब उसको आना आएगा. बट आएगा तो जब हमें फाइनली दिखाई दिया तो हमने उसकी पूजा की चांद जी की. और फिर हम अपना सामान लेकर हमने चांद को देखा और फिर
यहाँ पर हम पानी दे रहे हैं चांद को। ये चांद भी आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा पिंकिश रेडिश लग रहा है, ये मैं लेकर गई थी सीव और इसमें से देखते हुए मैं फुल प्रिपरेशन के साथ गई थी, आप देख सकते हो। और फिर ये यहाँ से कैप्टन साहब को देखते हुए, और देखो पीछे चांद भी दिखाई दे रहा है, तिलक लगाया, फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और प्रसाद जो था उससे मीठा मुँह किया, फिर हमने ग्रुप फोटो ली ये चीफ ऑफिसर के साथ में एंड इज थर्ड ऑफिसर विद अस। और फिर सोचा कि चलो थोड़ा एक आधा और पोज लेके चलते हैं नीचे, कुछ खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है। तो खाने में तो जस्ट मैंने सिंपल सा ही लिया था, सूप और मीठे में जलेबी और चपाती एंड एक वेजिटेबल, इतना ही बहुत है। तो अब मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी ये ओही अष्टमी के व्रत की, ये ओही अष्टमी का व्रत रख रही हूँ। ये मैंने मैम को बोला था कि आप कथा पढ़ के सुना देना मुझे, तो इन्होंने मुझे ये यहाँ पर कथा पढ़ के सुनाई थी। और फिर हम जो कथा पढ़ के होता है ना कि सूरज को पानी देते हैं, तो मैं ऊपर आई थी पानी देने के लिए और सिकंदर भी मेरे साथ लगा हुआ था, तो मैंने पूजा की। और फिर मेरे साथ में ये सिकंदर भी, देखो ये भी सूर्य देव की पूजा कर रहा है कि भी मेरे लिए फास्ट है तो मैं भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा। और आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ क्लिक सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।